देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना वृंदावन जनपद मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा की ओर से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी और थाना वृंदावन की संयुक्त टीम ने गणेश दास महाराज आश्रम के पास डकैती एवं हत्या की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्त गण को भारी मात्रा में असलाह एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उक्त अभियुक्त गण का आम जनता में भय व्याप्त है और भोले भाले व्यक्तियों को डरा धमका कर चोट वसूलते हैं। अभियुक्त मानवेंद्र गुर्जर वर्तमान में जनपद मथुरा से जिला बदर चल रहा था। अभियुक्त गण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। देखिए, आज एसओजी टीम और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुटवर्क किया गया है, जिसके अंदर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 अभ्यस्त अपराधी हैं, पुराने क्रिमिनल्स हैं। इनमें एक व्यक्ति मानवेंद्र गुर्जर वर्तमान में जिला बदर भी चल रहा है और ये लोग 5 पुराने अपराधी होने के साथ साथ इनसे 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, 26 कारतूस बरामद हुए हैं, 5 तमंचे बरामद हुए हैं और इनमें से एक व्यक्ति मुकेश सैनी का एक व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते ये लोग उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। उसके अलावा ये लोग मिलकर कुछ जगहों पर डकैती डालने की योजना भी बना रहे थे। सभी युक्तियों पर पुराने मुकदमे हैं, जिसमें लूट, डकैती, 307, 420, दहेज हत्या, इस प्रकार के अनेकों मुकदमे हैं। और जैसा मैंने बताया, एक अभियुक्त तो खुद ही जिला बदर चल रहा था। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 पिस्टल, 5 तमंचे और 26 कारतूस इनसे बरामद किए गए हैं और एक बहुत ही संगीन वारदात को होने से रोका गया है। और ये संपूर्ण घटनाक्रम के अलावा इनसे जुड़े हुए जो और लोग हैं, जहाँ से हथियारों की सप्लाई लिया करते थे, उसके ऊपर हमारी टीम अभी काम कर रही है। भविष्य में जैसे उसके संबंध में जानकारी मिलती है, कार्रवाई की जाती है, तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।